हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एडुशील्ड। एंड टुडे वी आर ब्रिंगिंग अप अनदर एपिसोड ऑफ द सीरीज नो ऑल अबाउट योर कॉलेज। सो दिस इज योर मेंटर मीनल श्रीवास्तव, और आज हम बात करने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के बारे में, जिसे हम DDUC भी बोलते हैं। सो मूविंग अहेड इन दिस वीडियो, सबसे पहले हम बात करते हैं उसकी कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन की। तो ये स्टैब्लिश हुआ था इन अगस्त 1990, और ये एक ऑफ कैंपस कॉलेज है जो कि द्वारका में सिचुएटेड है, वेस्ट दिल्ली में। इसके प्रिंसिपल का नाम है डॉक्टर हेमचंद जैन, और 2023 में DDUC को 21 रैंक मिली थी NIRF के द्वारा अमंग ऑल द कॉलेजेस इन इंडिया। और यहाँ पे पहुंचने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन, जो कि पड़ता है ब्लू लाइन पे। तो अगर हम बात करें अपनी सीरीज में आगे, तो देखते हैं कौन कौन से अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कोर्सेज इस कॉलेज में ऑफर किए जाते हैं। तो यहाँ पे साइंस, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स तीनों ही स्ट्रीम के लिए कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, और यहाँ पे सबसे ज्यादा कोर्सेज साइंस स्ट्रीम के लिए ऑफर होते हैं। तो देखते हैं कि साइंस के लिए यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। तो यहाँ पे BSc प्रोग्राम लाइफ साइंसेस, BSc प्रोग्राम फिजिकल साइंसेस विद केमिस्ट्री, BSc फिजिकल साइंसेस विद कंप्यूटर साइंसेस, BSc मैथमेटिकल साइंस, BSc ऑनर्स बॉटनी, BSc ऑनर्स केमिस्ट्री, BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, BSc ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स, BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स, BSc ऑनर्स फिजिक्स एंड BSc ऑनर्स जूलॉजी कोर्सेज हैं यहाँ पे साइंस स्ट्रीम की तरफ से। अगर हम बात करें आर्ट्स एंड कॉमर्स की, तो यहाँ पे BA ऑनर्स इंग्लिश, BA प्रोग्राम, BCom ऑनर्स एंड BMS यानी बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज अवेलेबल है। मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम बात करें फीस कौन कैसी कैसी यहाँ पे चार्ज की जाती है, तो मैंने यहाँ पे पूरा एक चार्ट लगा दिया है फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की। उन्हें इतनी फी पे करनी होगी, ट्यूशन फी 180 रुपीज, और ये एनुअल है। तो ट्यूशन फी 180 रुपीज है, कोर्स फी जो कि सिर्फ BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए है 15,000 उन्हें पे करनी है। देन अगर हम कॉलेज फैसिलिटीज और सर्विसेज की बात करते हैं, तो ये सारे अपग्रेडेशन या फिर लैबोरेटरीज लाइब्रेरीज एंड अदर बिल्डिंग का मेंटेनेंस वगैरह चार्ज, तो ये सब आपको देना पड़ता है। देन कॉलेज स्टूडेंट वेलफेयर फंड में आपको ये सब कुछ देना पड़ता है। फोर्थ, जो आप सी के फोर्थ में आप देख सकते हो, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, तो इंग्लिश लिटरेरी एक्टिविटीज फंड देना पड़ता है सिर्फ उन बच्चों को जो कि इंग्लिश ऑनर्स परस्यू कर रहे हैं। ऐसे ही BMS वालों को कॉर्पोरेट इंटरेक्शन फंड देना पड़ता है, एंड BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक साइंस वालों को भी एक अलग से 1,000 रुपीज की फी पे करनी पड़ती है। बाकी सारे जो भी चार्जेस हैं वो सबको देने पड़ते हैं। फिर कॉलेज डेवलपमेंट फी आप पे करते हो, देन सारे यूनिवर्सिटी DU के जो चार्जेस हैं, फैसिलिटी एंड सर्विसेज चार्ज, स्टूडेंट वेलफेयर फंड, डेवलपमेंट फंड या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सपोर्ट, यूनिवर्सिटी फंड और रिफंडेबल सिक्योरिटी जो कि सिर्फ इनिशियल एडमिशन के टाइम पे करनी होती है, उन सबको मिला के आपकी ये पूरी फीस बनती है। तो आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग अपनी फीस का एक एस्टिमेशन लगा सकते हो। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखते हैं कौन कौन से सर्टिफिकेट एंड एड ऑन कोर्सेज अवेलेबल हैं इस कॉलेज में। तो यहाँ पे चार सर्टिफिकेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जो कि है सर्टिफिकेट इन रशियन लैंग्वेज, इन फ्रेंच लैंग्वेज, इन जर्मन लैंग्वेज एंड इन स्पेनिश लैंग्वेज। अगर हम बात करें यहाँ के एड ऑन कोर्सेज की, तो यहाँ पे दो एड ऑन कोर्सेज हैं, ECPDT यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू थिएटर, एंड द नेक्स्ट इज ऑनलाइन रिटेलिंग एंड इंडस्ट्रियल ओरिएंटेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। तो आप अपने मेजर जो भी कोर्स आप परस्यू कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप BSc ऑनर्स बॉटनी कर रहे हो, तो आप उसके साथ अपना, अगर आपको इन सब में से किसी में इंटरेस्ट है, तो आप एड ऑन कोर्सेज या सर्टिफिकेट कोर्सेज भी कर सकते हो उसके साथ साथ। मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम देखें यहाँ का प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स कैसा था, तो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स के लिए टोटल 41 स्टूडेंट्स को यहाँ पे ऑफर लेटर मिले थे, यानी कि 41 स्टूडेंट्स गॉट प्लेस थ्रू द कॉलेज। यहाँ का हाईएस्ट पैकेज क्या था, 23.5 लैक्स पर एनम, और जो यहाँ का एवरेज पैकेज है वो है 5.22 लैक्स पर एनम। मीडियम जो पैकेज है वो है 4.5 लैक्स पर एनम, और जो CTC था यानी कि कॉस्ट टू द कंपनी, वो 3.5 लैक्स पर एनम से लेके 23.5 लैक्स पर एनम तक रेंज करता था।
यहाँ इस कॉलेज में आई थी 39 मेजर कंपनीज जो कि जिन्होंने रिक्रूट किया, एंड उसमें से कुछ का नाम यहाँ पे सामने मेंशन्ड है, जिसमें कि एक्सेंचर, आरएसए, जोमैटो, डेलॉइट, प्लैनेट स्पार्क, पीएसए, कोडियंग जैसी कंपनीज थी, और भी बहुत सारी कंपनीज थी. सो देयर वर 39 मेजर रिक्रूटर्स. अगर हम बात करें यहाँ के इंटर्नशिप स्टैटिस्टिक्स की, तो हाइब्रिड इंटर्नशिप फेयर 4.0 यहाँ पे हुआ था, जिसमें 1800 रजिस्ट्रेशन आई थी डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस से, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज से, और मोर देन 20 ऑर्गेनाइजेशंस ने अपना ऑन कैंपस इंटरव्यू करवाया था, और 50 से ज्यादा कंपनीज ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना इंटरव्यू प्रोसेस कराया था. हाईएस्ट स्टाइपेंड इस कॉलेज का गया है 20,000 लास्ट ईयर, यानी 23-24 वाले एकेडमिक ईयर में. मूविंग फॉरवर्ड अगर हम देखें तो सोसाइटीज बहुत इंटीग्रल पार्ट होती हैं किसी भी कॉलेज का, और यहाँ पे अगर हम सोसाइटीज की बात करें तो यहाँ पे गुड नंबर ऑफ सोसाइटीज हैं जो कि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं. उसमें से कुछ मैंने यहाँ पे लिखी है. यहाँ पे और भी बहुत सारी अलग अलग सोसाइटीज हैं, जैसे कि टेडेक्स, डीडीयूसी चैप्टर वगैरह, ये सब भी हैं, 180 डिग्री वगैरह सब कुछ है, कंसल्टिंग वगैरह के लिए भी. तो उसमें से कुछ मेजर सोसाइटीज का नाम मैंने यहाँ लिख दिया है, जिसमें कि है वॉइस, द डिबेटिंग सोसाइटी, राग, द डांस सोसाइटी, रैप्सोडी, द म्यूजिक सोसाइटी, कलमकार, द लिटरेसी सोसाइटी, लिटरेरी सोसाइटी, कल्पवृक्ष, द बोटानिकल सोसाइटी, संज्ञान, द क्विज सोसाइटी, इको क्लब, रोबोटिक्स क्लब, MUN, फोटोग्राफी, ड्रामेटिक्स क्लब. तो बहुत सारी सोसाइटीज हैं. इसके अलावा इको क्लब वगैरह भी है, और गर्ल टाइप के इम्पावरमेंट इम्पावरमेंटल सोसाइटीज भी हैं. तो बहुत सारी सोसाइटीज यहाँ पे हैं. अब क्या डीडीयूसी में हॉस्टल है? तो जी हाँ, डीडीयूसी में दो हॉस्टल्स हैं, एक लड़कों का और एक लड़कियों का. हर हॉस्टल में 45 फर्निश्ड रूम्स हैं जो कि स्टूडेंट्स को अलॉट किए जाते हैं, और एक रूम में दो लोग रह सकते हैं. सो बेसिकली आप कह सकते हो कि 90 सीट्स अवेलेबल है बॉयज हॉस्टल के लिए, 90 सीट्स अवेलेबल है गर्ल्स हॉस्टल के लिए. और यहाँ पे मैंने दोनों बिल्डिंग्स की पिक्चर, साथ में जो मेस है उसकी पिक्चर और रूम्स की, सबकी फोटो लगा रखी है. सब में अटैच वॉशरूम आपको मिल जाएगा. अगर हम और बात करते हैं कैसी कैसी फैसिलिटीज हैं इस हॉस्टल में, इनके हॉस्टल में, तो हॉस्टल में एक मेस है जहाँ पे अच्छा खाना मिलता है. देन जो मील्स हैं आपको वो डाइनिंग हॉल में मिल जाएंगी. और अगर जो बच्चे हॉस्टल में नहीं भी रहते हैं तो वो भी पे करके खाना खा सकते हैं. देन रिक्रिएशन रूम होता है जो कि एक फुल्ली एयर कंडीशन कॉमन रूम है, जहाँ पे जो बच्चे रहते हैं हॉस्टल में वो आराम से बैठकर वहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं. न्यूज़पेपर या मैगजीन्स रहते हैं उस कॉमन रूम में, तो वो वहाँ पे भी जाके उसे पढ़ सकते हैं. टेलीविजन है एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए, तो वो सब भी उसे यूज कर सकते हैं. देन जो स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज है, मेडिकल केयर है, और अगर किसी बच्चे को हॉस्पिटल जाना होता है तो फिर कॉलेज वाले लेके भी जाते हैं. देन ऑब्वियसली द एक्सपेंडिचर हैज टू बी बॉर्न बाय द पेरेंट्स और द लोकल गार्जियंस ऑफ द चाइल्ड, बट येस आपको फर्स्ट एड अवेलेबल हो जाता है हॉस्टल में. देन बैंकिंग फैसिलिटीज है, पंजाब नेशनल बैंक की एक ब्रांच लोकेटेड है इन साइड द मेन बिल्डिंग, तो आप जा सकते हो वहाँ पे. लॉन्ड्री सर्विसेज भी अवेलेबल है, मिनी लाइब्रेरी है हॉस्टल के अंदर ही, जिसमें कि आप बोरो कर सकते हो बुक्स वगैरह, आप वहाँ से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो. तो एक गुड नंबर ऑफ फैसिलिटीज अवेलेबल होती है आपको इनके हॉस्टल में भी. मूविंग फॉरवर्ड हमने यहाँ पे हॉस्टल फीस का भी चार्ज मेंशन कर दिया है. तो अगर इफ एनीबडी ऑफ यू इज लुकिंग फॉरवर्ड टू सी की हॉस्टल के लिए कितना चार्ज लगता है, तो यू कैन रेफर टू दिस, और आपका ये पूरा हो जाएगा. आप उसमें से अगर आपको अच्छे से इसको पढ़ना है डिटेल में, तो आप आराम से इसको वीडियो को पॉज करो या स्क्रीनशॉट लो और आप पढ़ लो. और ये अपडेटेड है, 2024-25 के हिसाब से ही इसमें फी स्ट्रक्चर मेंशनड है. नाउ अगर हम बात करते हैं कालरव, कालरव क्या है? कालरव है वहाँ का एनुअल कल्चरल फेस्ट. दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस अपने फेस्ट के लिए भी बहुत फेमस होते हैं, तो ऐसे ही डीडीयूसी के फेस्ट का नाम है कालरव, जिसमें कि लास्ट ईयर अखिल सचदेवा आए थे और बहुत सारे बैंड्स ने परफॉर्म किया था अलग अलग. तो इट इज फन, तो यहाँ का फेस्ट भी अच्छा होता है. सो दैट वॉज इट अबाउट दिस कॉलेज. अगर आपको किसी और कॉलेज के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कॉमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो. हमने बहुत सारे नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और कुछ ऑफ कैंपस कॉलेजेस का भी रिव्यू बनाया है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो. अगर आपको इस कॉलेज से रिलेटेड कोई और डाउट है तो आप उसे भी तो अपने कॉमेंट सेक्शन, अब कॉमेंट बॉक्स में जाके आप उसे टाइप कर सकते हो. वील बी हैप्पी टू आंसर योर डाउट्स देयर एज वेल.
सो विद दिस थैंक यू सो मच.